अब देखिए, फोकस इज सप्लीमेंटेड बाय पॉजिटिव एटीट्यूड। जब तक हम पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखेंगे, अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं करेंगे, ये नहीं मान के चलेंगे कि हाँ पॉसिबिलिटी है गोल को अचीव करने की, तब तक फोकस्ड नहीं हो पाएंगे। हमें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ सर एडमंड हिलरी की, नाम सुने, जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। मगर क्या उन्होंने पहली ही बार में माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था? क्या आप लोग ये जानते हैं कि वो पहले ही प्रयास में सफल नहीं हुए थे? मगर जब वो अपने प्रयास में सफल नहीं हुए तो उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं छोड़ा, उन्होंने नेगेटिव एटीट्यूड को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को एक बात कही थी, बहुत फेमस, बहुत मशहूर बात है, उन्होंने कहा, आई विल कम अगेन एंड कॉन्कर यू बिकॉज एज अ माउंटेन यू कैनॉट ग्रो बट एज अ ह्यूमन आई कैन। माउंट एवरेस्ट, अपने आप पर इतना मत इतरा, आज मैं तेरे शिखर पर नहीं चढ़ पाया, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं फिर आऊंगा और तेरा घमंड चूर चूर करूंगा, तेरे शिखर पर पांव रखूंगा, क्योंकि एक पर्वत होने के नाते तू नहीं बढ़ सकता, मगर एक इंसान होने के नाते मैं बढ़ सकता हूं, मैं अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकता हूं। तेरे बस में ये नहीं है कि तू अपनी क्षमताओं का विस्तार करे या अपनी ऊंचाई को बढ़ा ले। और वो ही बात उन्होंने करके भी दिखाई, उन्होंने एवरेस्ट को फतेह करके पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर हम एटीट्यूड पॉजिटिव रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें तो माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया जा सकता है। जो काम हजारों लाखों लोगों को इम्पॉसिबल लगता था, नामुमकिन लगता था, उन्होंने करके दिखाया, और जब उन्होंने करके दिखाया तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनसे इंस्पिरेशन लेकर, मोटिवेशन लेकर वही काम की पुनरावृत्ति करके दिखाई, बार बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करके दिखाया। तो आप भी एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। फोकस लीड्स टू परसिस्टेंस एंड परसिवियरेंस, लगातारता, निरंतरता, दृढ़ता, बार बार किसी काम को करने का प्रयास करना, यही है परसिस्टेंस और परसिवियरेंस। तो जब तक फोकस नहीं होगा लक्ष्य की प्राप्ति पे, हम बार बार प्रयास नहीं करते, सिंसियर प्रयास नहीं करते, और जब तक हम सिंसियर प्रयास नहीं करते तब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं कर पाते। तो प्रयास करने में कमी भी नहीं होनी चाहिए और प्रयास करने में सीरियसनेस की कमी भी नहीं होनी चाहिए, ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसकी उदाहरण आपको देता हूं, दशरथ मांझी, नाम सुना है इनका, द माउंटेन मैन, जहां एक छोटे से पत्थर को तोड़ना एक आम आदमी को कितना मुश्किल काम लगता है, वहीं इन महानुभाव ने एक 350 फीट लंबा, 25 फीट ऊंचा और काफी चौड़ा पहाड़ तोड़ दिया था केवल एक छैनी और एक हथौड़ी के सहारे। जहां रोड बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को पहाड़ तोड़ने के लिए डायनामाइट, बारूद वगैरह की जरूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, तब जाके वो पहाड़ तोड़ पाते हैं और रास्ते बना पाते हैं, एक इंसान जिसने अपना फोकस एक ही बात पर केंद्रित किया कि हे पर्वत, तेरी वजह से मेरी वाइफ की, मेरी पत्नी की मौत हुई, असमय मौत हुई, और जो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए इस पहाड़ को पार करना पड़ता था या दूसरा रास्ता बहुत लंबा था, उतना समय इनके पास नहीं था, पहाड़ ये पार कर नहीं पाए थे, तो पत्नी जीवित नहीं रह पाई, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इन्होंने एक निश्चय किया, एक लक्ष्य निर्धारित किया कि जिस पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़ गई, उस पहाड़ को मैं तोड़ के, इसके इसका सीना चीर के इसके बीच में से रास्ता बनाऊंगा, ताकि आगे से किसी और को इस पहाड़ की वजह से अपने प्राण नहीं गंवाने पड़े। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, वो भी मूवी भी आप देख सकते हैं, बहुत इंस्पायरिंग मूवी है, और भारत सरकार ने इनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया था
शायद 2016 में। तो ये है इनकी भांता, एक इंसान अगर लक्ष्य निर्धारित कर ले और उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर ले तो पहाड़ों का सीना भी चीर सकता है। वो बोलते हैं ना, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वो तबीयत, वो ध्यान केंद्रित करके प्रयास करना बहुत जरूरी है अगर हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। और जो लोग अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं लक्ष्य की प्राप्ति पर, जो लोग फोकस्ड होते हैं, उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल या असंभव नाम का शब्द फिर नहीं होता। तो आप लोगों को महाभारत की वो कहानी भी शायद याद आ गई होगी कि जब द्रोणाचार्य जी ने कौरवों और पांडवों को, सभी जो बच्चे थे तब, उन लोगों को बुलाया, धनुर्विद्या की शिक्षा देनी थी, उनको ये डिसाइड करना था कि आज कौन सा शस्त्र किस युवराज, किस राजकुमार के लिए निर्धारित करना है। तब उन्होंने, जब धनुर्विद्या की बारी आई, सबको उन्होंने बुलाया, एक पक्षी पेड़ के ऊपर उन्होंने पक्षी का पुतला बना रखा था और उन्होंने सबसे बारी बारी एक प्रश्न पूछा कि धनुष बाण हाथ में पकड़ो, निशाना साधो और बताओ कि आपको क्या दिख रहा है। तो किसी राजकुमार ने बोला, गुरुवर सामने का पूरा दृश्य दिख रहा है, पेड़ है और घर है और पहाड़ है, पर्वत है, आसमान है, घास है। किसी ने बोला मुझे सिर्फ पेड़ दिख रहा है, किसी ने बोला मुझे पेड़ के सिर्फ पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने बोला मुझे पेड़ के टहनी के ऊपर बैठा पक्षी दिख रहा है। मगर इन सब को गुरु द्रोणाचार्य ने तीर छोड़ने की आज्ञा नहीं दी। उन्होंने बोला कमान, तीर कमान वापिस रखो। जब बारी आई अर्जुन की, तो उन्होंने बोला अर्जुन तीर कमान पकड़ो, निशाना साधो और बताओ क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने जैसे ही तीर कमान पे चढ़ाया और प्रत्यंचा खींची, निशाना लगाया, तो उन्होंने देखा कि मुझे पक्षी की केवल आंख दिख रही है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, मुझे मेरा लक्ष्य सामने दिख रहा है जो है एक पक्षी की आंख। मुझे ये भी नहीं पता कौन सा पक्षी है, मुझे ये भी नहीं पता वो कहां बैठा है, मुझे केवल और केवल एक आंख दिख रही है सामने। तो गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए, उन्होंने बोला वत्स तीर छोड़ो। जैसे ही अर्जुन ने वो तीर छोड़ा, सीधा जाके वो पक्षी की आंख में लगा। तो ये एक गुरु बहुत अच्छे से जानता है लक्ष्य का अर्थ क्या है और लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करने का फायदा क्या है। जिन लोगों का लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं था, जिन भी राजकुमारों का, उन्हें उन्होंने तीर छोड़ने की आज्ञा भी नहीं दी, क्योंकि वो तीर निश्चय ही निशाने पर नहीं लगता। परंतु जैसे ही अर्जुन ने लक्ष्य के बारे में बताया और ये जतला दिया गुरु जी को कि मेरा ध्यान केवल और केवल लक्ष्य के ऊपर केंद्रित है, फोकस्ड है, तो गुरु जी ने उसको तीर छोड़ने की इजाजत दी। और यही एक डिफरेंस था अर्जुन में और बाकी सभी राजकुमारों में। एक और छोटी सी कथा महाभारत की है कि जब अर्जुन बहुत चाहते हैं कि वो अंधेरे में तीर चलाना सीखे, जब सारी तीर चलाने की दीक्षा दिन में रोशनी में चलाने की दीक्षा पूरी हो चुकी थी, मगर वो अंधेरे में तीर नहीं चला पा रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने भी उनको हर तरीके से सिखा लिया, मगर अर्जुन उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे, ना द्रोणाचार्य जी कामयाब हो पा रहे थे उसको सिखाने में। तो दोनों हताश थे, निराश थे थोड़े से। तो शाम का समय हो गया, अंधेरा हो गया, खाना खाने के लिए जब राजकुमार सभी गए तो उन्होंने देखा कि अभी जो गुरु माता थी वो दीपक लेके आने वाली थी, पर आपको पता भीम से सबर नहीं होता था। भीम से ने क्या किया, अंधेरा ही था, अंधेरे में ही वो खाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो अर्जुन बहुत हैरान हुआ कि अर्जुन के बड़े भाई थे भीम जी, उन्हें बोला बड़े भैया आप ये कैसे कर रहे हो, इस समय इतना अंधेरा है और आप खाना ले रहे हो मुंह में डाल रहे हो, फिर खाना ले रहे हो मुंह में डाल रहे हो, सबसे पहले आपने खाना शुरू कर दिया, हम लोग अंधेरे की वजह से खा नहीं पा रहे, आप कैसे खा रहे हो, आपको मुश्किल नहीं आ रही। भीम ने कहा अर्जुन मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने पर और मेरे मुंह पर केंद्रित है, मुझे बस एक ही चीज सूझ रही है इस समय, खाना लेना है मुंह में डालना है, खाना लेना है मुंह में डालना है, ये लक्ष्य से मैं अपने ध्यान को भटकने नहीं दे रहा हूं, इसलिए खाना मेरे मुंह में ही जाता है, इधर उधर कहीं नहीं जाता। तो अर्जुन को एक नई ऊर्जा मिली, एक नई उनके अंदर स्फूर्ति मिली और प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा के साथ उन्होंने जाके उसी समय, खाना नहीं खाया, उसी समय गए और जाकर धनुर्विद्या का
अभ्यास फिर से शुरू कर दिया लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करके, और उसी रात को अर्जुन ने लक्ष्य भेदन किया अंधेरे में आंख बंद करके, बिना रोशनी के अंधेरे में। अब आंख बंद करें चाहे नहीं करें फर्क नहीं पड़ता, मगर अंधेरे में तीर चलाना अर्जुन ने सीख लिया। तो ये महिमा है फोकस की, ध्यान केंद्रित करने की। फोकस मींस नेवर गिव अप एटीट्यूड। जैसे मैंने पहले बोला, प्रयास किया असफलता मिली तो हम हिम्मत हार गए, जैसे ही हम हिम्मत हार गए वैसे ही हम अपना लक्ष्य भी गवा बैठे, लक्ष्य प्राप्ति की संभावनाएं भी हमने समाप्त कर दी। तो ये जो गिव अप एटीट्यूड है, जो हिम्मत छोड़ देने का एटीट्यूड है, ये हमें छोड़ना पड़ता है तो ही फोकस हो पाता है। नेवर गिव अप। एक और छोटी सी कहानी के साथ सुनाता हूं, ये भी आपने सुना होगा, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, याद है बचपन में कहानी पढ़ी होगी। किंग ब्रूस स्कॉटलैंड के राजा थे, और इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया था, और उसमें किंग ब्रूस हार गए। 6 बार उन्होंने अपना राज्य प्राप्त करने की कोशिश की, किंतु हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक बार इसी निराशा में वो एक गुफा में बैठे हुए थे और ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले थे। 6 बार प्रयास करके और हार के, हर बार हार के वो थक भी चुके थे, टूट भी चुके थे, निराश भी हो चुके थे, और वो ऑलमोस्ट छोड़ने वाले थे कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं आगे से कभी भी स्कॉटलैंड को हासिल नहीं कर पाऊंगा। कि उन्होंने क्या देखा, गुफा में एक मकड़ी है जो जाला बनाकर छत पे चढ़ने की कोशिश कर रही है, उसी जाले की एक तार के सहारे, और वो बार बार प्रयास कर रही है और गिरती जा रही है, फिर चढ़ने की कोशिश करती है फिर गिर जाती है, फिर चढ़ने की कोशिश करती है फिर गिर जाती है। तो जब ऐसा ही 6-7 बार उसके साथ हुआ तो उन्होंने मकड़ी को बोला, रहने दे, छोड़ दे, तू भी मेरी तरह ही है, जैसे मैं अपने प्रयासों में सफल नहीं हो रहा वैसे ही तू भी अपने प्रयासों में सफल नहीं हो रहा, तो गिव अप कर दे, मैं भी छोड़ने वाला हूँ, मैं भी गिव अप करने वाला हूँ। मगर उस मकड़ी ने हार नहीं मानी, उसने फिर से प्रयास किया और इस बार वो छत तक अपने जाले तक पहुंच गई। तो ये देखकर किंग ब्रूस को प्रेरणा मिली कि अगर ये मकड़ी गिव अप नहीं कर रही है और ये अपने जाले तक पहुंच रही है, बार बार उसके लिए प्रयास करने पड़ रहे हैं तब भी कर रही है, इतना फोकस है इसका अपने लक्ष्य की प्राप्ति के ऊपर, तो मैं एक इंसान होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूं? कहीं ना कहीं मेरे फोकस में कुछ कमी रह गई है, वो दूर करके पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेटेड माइंड के साथ अब मुझे इंग्लैंड के फोर्सेस के ऊपर अटैक करना है और अपना स्कॉटलैंड उनसे वापस लेना है। और जैसे ही उनका फोकस लक्ष्य की तरफ बना, उन्होंने वैसे ही अपने जो बचे कुचे सैनिक थे उनको इकट्ठा किया, उनकी हेल्प से सेना को थोड़ा सा और बढ़ाया, हथियार इकट्ठे किए और हमला करके अपना स्कॉटलैंड इंग्लैंड से वापस ले लिया। तो अगर वो गिव अप कर देते तो क्या फोकस करते लक्ष्य के ऊपर, और अगर फोकस नहीं करते तो क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त करते? तो ये छोटी छोटी जो किस्से कहानियां मैं आपको सुना रहा हूं, ये केवल और केवल हमें यही बताती हैं कि अगर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है लक्ष्य को प्राप्त करने पर, तो लक्ष्य निर्धारण करने से लक्ष्य की प्राप्ति केवल नहीं होने वाली। सो लक्ष्य निर्धारण करना एक चीज है, मगर उसको प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करना, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे ध्यान हटाना, वो दूसरी बात है।